हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड। कैसे हैं सब? सभी को मेरा राम राम। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे पार्टी मेकअप, वेडिंग फंक्शन मेकअप, कैस्ट मेकअप, कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी मैं रिसेंट फ्रेंड की शादी में गई थी, ब्लॉग आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वही मेकअप हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेस क्लीन करने के बाद मैंने लगा लिया है प्राइमर। तो प्राइमर को पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अगर प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जूस भी लगा सकते हैं, अगर एलोवेरा जेल जो आता है वो लगा सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से लगा लीजिए फेस पे फिंगर्स की हेल्प से, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट ये मैं करेक्टर ले रही हूँ, करेक्टर पैलेट है मेरे पास पूरा। तो पहले मैं आइज़ का करेंगे हम मेकअप, उसके बाद फिर हम बाकी फेस करेंगे। तो आइज़ पे मैंने कंसीलर लगा दिया है, और कंसीलर के बाद मैं क्रीज पे लाइन एक बॉर्डर दे रही हूँ आई को, क्रीज को विद पिंक और ऑरेंज कलर का मिक्स करके। उससे क्या होगा, एक शेप डिफाइन हो जाता है आपकी आईज़ को, और एक आउटर जो क्रीज क्रिएट हो जाती है। तो ये मैं कर रही हूँ पिंक, और यूजली थोड़ा सा इस तरीके से ब्राउन कलर ले सकते हो आप। और फिर सेंटर में मैंने लिया है ब्लैक कलर, और उसको मैं आउटर जो वी एरिया होता है हमारा आई का, आई ऊपर आईलिड का, उस पर अच्छे से मिक्स कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। सेंटर में लगाइए और फिर बाहर की साइड ले जाके उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए। आउटर वी जो है हमारा आईज़ का, उस पर हमें लगाना है बेसिकली डार्क कलर। तो ये मैंने ब्लैक कलर लिया है, यूजली ब्लैक ब्राउन कलर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्मोकी लुक आता है। और क्योंकि मेरा आउटफिट ब्लू है, तो मैंने इनर जो लिड है अपनी, इनर जो आई लिड है ऊपर, उस पर मैंने ब्लू कलर दिया है। ठीक है, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा सा मैंने शिमरी कलर लेके मैं आउटर जो वी था अपर एरिया, वहाँ पे एक बॉर्डर दे रही हूँ स्लाइट सा। अब बहुत अच्छा मेरा शिमर नहीं था, अगर शिमर अच्छा होगा ना तो बहुत अच्छा लुक आता है। वो भी धीरे धीरे मंगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी ब्लॉग्स व्लॉग स्टार्ट किए हैं, तो बहुत ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं लिया हुआ है। और बस सेंटर में थोड़ा सा ग्लिटर लगा दीजिए, गोल्डन ग्लिटर, वो मैं लगा रही हूँ सेंटर में। एंड ये देखिए, आपका आई मेकअप ऑलमोस्ट बेस बन गया है। अभी इसको टचअप हम करेंगे साथ साथ में, तो बस इसको ब्लेंड कर दीजिए। और अब फेस का मेकअप हम बाद में करते हैं, ताकि जो भी फॉल हो रहा है ना ऊपर से आई से देखेंगे फॉल हो रहा है वो हट जाए। ठीक है, तो ये एक बेस मैंने बना दिया है आईज पे। इसके बाद मैं अपनी ब्रोज को फिल कर ले रही हूँ ब्राउन कलर से विद द हेल्प ऑफ ब्रश, जो पतला सा एक ब्रश आता है, सबसे छोटा ब्रश आता है सेट अगर आप लेंगे तो, उससे बस ब्राउन कलर से अपनी आईज जो आईब्रोज हैं उनको फिल कर लीजिए, शेप कर लीजिए, और काफ़ी अच्छा लगता है, उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो जैसे भी आपकी ब्रोज हैं, जैसे ब्राउन, यूजली ब्राउन होता है तो ब्राउन कलर, ब्लैक है तो आप ब्लैक कलर से भी कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया है शेप। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं फेस। तो फेस के लिए सबसे पहले मैंने करेक्टर जो मैंने भी दिखाया था वही करेक्टर पैलेट में ले रही हूँ, और फेस को पहले करेक्टर देंगे। येलो शेड लगा रही हूँ मैं आईज़ के नीचे, डार्क स्पॉट्स जहाँ पे भी है वहाँ पे येलो शेड्स लगा रही हूँ। ऑरेंज शेड आता है बहुत अच्छा करेक्टर, काफ़ी अच्छा उसके रिव्यूज़ हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। मेरे पैलेट में येलो, ग्रीन, ब्राउन कलर्स हैं, तो मेरे पैलेट के हिसाब से येलो कलर है, फोरहेड पे ग्रीन कलर है, ये सब उस पर मेंशन भी है पैलेट पे कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है। जैसे नोज़ के पास, लिप्स के पास पे ग्रीन कलर, और येलो कलर्स अंडर आइज़, बाकी जगह ब्राउन, और कंटूरिंग के लिए डार्क ब्राउन, जैसे मैं देखिए लगा रही हूँ। तो पहले की बेस दे दे रहे हैं करेक्टर का, और उसके बाद फिर हम ऊपर से इस पर फाउंडेशन लगाएंगे, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। जैसा कि मैं कह रही हूँ, ऑरेंज करेक्टर जो है डार्क जो फेस के पार्ट्स होते हैं उस पर काफ़ी अच्छा निखर के आता है, बट मेरे पास नहीं है, बट ये जल्दी मंगाऊंगी मैं। अभी दो तीन आइटम मेरी लिस्ट में हैं जो मैं मंगाऊंगी, और फिर उसके साथ भी मेकअप बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्रश के कंपेरिजन में मैं आई एम नॉट दैट मच कम्फर्टेबल विद द ब्रश, मुझे लगता है कि ब्लेंडर से काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है, बहुत स्मूथ फिनिशिंग आती है फेस की इन कंपेरिजन टू ब्रश। ब्रश से इतना अच्छा करेक्टर्स स्पेशली नहीं ब्लेंड हो पाते हैं, क्योंकि थोड़े से ड्राई होते हैं करेक्टर जो होता है, फाउंडेशन तो लिक्विड होता है तो ब्रश से फिर भी हो जाता है ब्लेंड। बट ये आप ब्लेंडर की विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर, वेट ब्लेंडर, ठीक है, ब्लेंडर को गीला करके थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजिए और फिर उससे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए।
ठीक है। और इसके ऊपर ही मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन भी लगा दिया है ब्लेंडर में लेके। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वाइटिश भी नहीं अच्छा लगता है, तो क्योंकि एज अ गेस्ट मैं मेकअप कर रहे हैं, मैं ब्राइड नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं रख रही हूँ अपने आप को, ठीक है। तो ये देखिए एक बेस बन गया है। उसके बाद ये मेरे पास लूज पाउडर है स्विस ब्यूटी का, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ एक बेस देने के लिए पूरी बॉडी पे, ठीक है। इसके बाद मैंने ब्लश लगाया है, ठीक है, चिक्स पे आपको लगा लेना है पिंक कलर अपर साइड की तरफ। स्माइल करते हैं जो आपकी हायर पॉइंट्स होते हैं, चिक बोन्स होती हैं, उधर आप इसको लगा लीजिए। और फिर ये थोड़ा सा मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश, लिक्विड भी मैंने किया था स्टार्टिंग में आपने देखा बेस, और उसके बाद मैं ये जो ड्राई है ब्राउन कलर उससे भी थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करूँगी। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है, यूजली नोज पे, चिक्स पे और जो आपका है और फोरहेड, यहीं पे आप करते हैं जॉ लाइन आपकी। तो तीन चार चीज़ें होती हैं, तीन जगह होती हैं जहाँ पे आप कॉन्टोरिंग करते हैं, तो कॉन्टोरिंग कर लीजिए। कॉन्टोरिंग ब्रश से ही होगी, नोज पे, चिक्स पे, हर जगह, है ना, विद द हेल्प ऑफ, या फिर फिंगर्स की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कॉन्टोरिंग डन है। इसके बाद थोड़ा सा मैं हाइलाइटर लगा रही थी, बट ये जो हाइलाइटर है इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, लिक्विड वाला हाइलाइटर ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। ये देखिए आइज़ के ऊपर भी आप हाइलाइटर लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, बट ये हाइलाइटर मेरे पास जो है ना इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं पहले बहुत मेकअप नहीं करती थी, तो ज़्यादा मैं, जैसा मैंने बताया, प्रोडक्ट्स नहीं थे। और फिर उसके बाद देखिए मैंने आईलाइनर फिल कर लिया है, तो एक हाइलाइटर भी मेरी लिस्ट में है, मैं मंगाऊंगी काफ़ी अच्छा सा। लिक्विड एक मेरे पास है रोज़ कलर में है वो, बट अभी मुझे थोड़ा सा ग्लोई स्किन के साथ अकॉर्डिंगली मंगाना है, तो वो जल्द मंगाएंगे। तो आईलाइनर लगा लिया है मैंने दोनों आईज़ पे, और जो भी एक्स्ट्रा फॉल अंडर आईज़ था वो हटा दिया है, ताकि आई मेकअप को भी हम पूरा फिनिशिंग दे सकें। अंडर आई में भी आपने जो ऊपर शेड्स लिए हैं ना शेडो, जैसे मैंने पिंक, ऑरेंज और ब्लू लिया था, तो उसी को नीचे भी आप ब्रश से थोड़ा सा लगा दीजिए। काजल मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरी आईज़ छोटी हैं, और अगर मैं काजल लगाती हूँ तो वो फैल जाती हैं और अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत ज़्यादा काली काली हो जाती है अंडर आईज, तो मैं नहीं चाहती। तो इसलिए बस मैं यहाँ नीचे ब्लू कलर का थोड़ा सा लाइन विद द हेल्प ऑफ ब्रश में लगा रही हूँ अंडर आई लशेस में। और ये थोड़ा सा हाइलाइटर है, इसको ब्रश पे लेके और इनर वी बना दीजिए, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। जैसे कि मैंने कहा हाइलाइटर मुझे लेना है, अच्छा सा हाइलाइटर वो मैं लूँगी। अगर आप लोग के पास कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप यूज़ करते हैं और अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं ऑर्डर कर सकूँ। बाकी मेरे माइंड में तो है ही अदरवाइज़। और बस फिर हम लगा लेंगे मस्कारा, और मस्कारा के बाद आप चाहें तो फॉल्स लैशेस लगा सकते हैं। मुझे था मैं लगाऊंगी, बट एक्चुअली मैं लेट हो रही थी, तो मैंने उस टाइम लगाया नहीं, और बाद में फिर एक्चुअली लेट भी क्या गई भी नहीं, तो रह गया ने मिसिंग रह हो गया। तो आईलैशेस लगाओगे तो मेकअप और ज़्यादा खिल के आएगा। उसके बाद आप लगाएंगे लिपस्टिक, हमारी बच्ची लिपस्टिक, और लिपस्टिक को हमेशा लिप लाइनर्स लगाए। आप देखेंगे पार्लर्स में वो लोग ब्रश की हेल्प से आपको बॉर्डर देते हैं, या लाइनर लिप्स लाइनर ज़रूर यूज़ करते हैं, तो हमेशा पहले अपने लिप लाइनर यूज़ कीजिए, उससे एक बेस दीजिए, बॉर्डर दीजिए, और फिर जो भी कलर आपको लगाना है वो आप लगाइए। तो मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ये पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली है। तो देखिए ऑलमोस्ट मेकअप डन है, बस हाइलाइटिंग आपको करनी है, फिक्सर लगाना है, बिंदी लगाइए, एंड यू आर रेडी टू गो। ये देखिए ये लिक्विड हाइलाइटर है मेरे पास रोज़ कलर का, तो वो मैं लगा रही हूँ। इसका ग्लो अच्छा है काफ़ी वैसे, पर फिर भी मुझे चाहिए थोड़ा और अच्छा ना, मैं लूँगी दो तीन। तो ये देखिए लिक्विड हाइलाइटर है, तो इसको ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा फैला लीजिए, इससे काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है फेस पे ना, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग आएगी इससे। तो बस हमारा मेकअप डन है, और जैसे मैंने कहा मैंने फॉल्स लैशेस नहीं लगाई हैं, अगर आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। और बस ये हुडा ब्यूटी का मेरे पास फिक्सर रखा हुआ है, मेकअप फिक्सर, वो मैं स्प्रे कर लूँगी एंड डन। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये ऑलमोस्ट डन है, मिलती हूँ आपको रेडी होके। तो ये है मेरा फाइनल लुक, तो कैसी लग रही हूँ, डू लेट मी नो इन कमेंट्स।
एंड यस, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आई विल शेयर द नंबर, जहाँ से भी मैं मंगाती हूँ मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।